अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं आपका वेस्ट फ्रॉम लैपटॉप वाला। तो आज हाजिर हैं हम लैपटॉप वाला पे, ठीक है। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छे लैपटॉप्स, 10th जनरेशन के अंदर, 8th जनरेशन के अंदर, और जो है 6th 7th जनरेशन, जो भी हमारे पास क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी हैं और विदाउट ग्राफिक कार्ड भी लैपटॉप हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह चलते हैं लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लेनोवो की थिंकपैड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कंडीशन आपके सामने है, 10x10 कंडीशन के अंदर है, ठीक है। ये लेनोवो की T14 सीरीज़ है, ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, T14 है। कोर i5 की 10th जनरेशन है, 8GB रैम और 256GB SSD के साथ है, और बैकलाइट कीबोर्ड, 1080p स्क्रीन जिसे कहते हैं कि फुल एच डी स्क्रीन है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। ये बैकलाइट का आइकॉन भी बना हुआ और फिंगरप्रिंट के साथ है, और ये कोर i5 की 10th जनरेशन है। कंडीशन आपके सामने बिल्कुल 10x10 कंडीशन के अंदर, यानी कि एक आधे पीस की नहीं, हमारे पास जितने भी पीस पड़े हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे मैं दिखा देता हूँ आपको, सबकी कंडीशन इसी तरह 10x10 कंडीशन के अंदर है। और अगर हम इसकी पोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाती है टाइप सी पोर्ट। इसके अंदर टाइप सी चार्जर आता है लेनोवो का 65 वोल्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी हमारे पास क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल चार्जर है 65 वोल्ट, टाइप सी चार्जर के साथ है, और फ्यूज़ वाली केबल मिलेगी इसके साथ आपको। आगे चलते हैं फिर। ये टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए होती है, एक थंडर पोर्ट है टाइप सी। उसके बाद आ जाती है USB पोर्ट, फिर HDMI हेडफोन जैक। अगर दूसरी साइड पे चलते हैं तो दूसरी साइड पे एक USB पोर्ट है। तो जो इसकी प्राइस है, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी। ये आपको मिल जाएगी 1,15,000 के अंदर, कोर i5 की 10th जनरेशन, 8GB रैम और 256GB SSD। इसके अंदर 8GB रैम के अंदर भी हैं और 16GB रैम के अंदर भी हैं। जो 8GB रैम वाला वो 1,15,000 के अंदर मिल जाएगा, और जो 16GB रैम वाला वो आपको मिल जाएगा 1,19,000 के अंदर। और ये हमारे पास तकरीबन क्वांटिटी के अंदर पीस मौजूद है, कोई 17 से 18 पीस हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इसके बाद फिर जो हमारे पास आ जाती है लेनोवो की T490, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी लेनोवो थिंकपैड T490 है। ये जिस तरह के HP की 840G5G6 है, ये तो उसके मुकाबले की मशीनें हैं। ये कोर i5 की 8th जनरेशन है, 16GB रैम और 256GB SSD के साथ है। ये भी 1080p स्क्रीन है, बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट के साथ है, और इसके जो स्पीकर लगे हुए हैं वो भी इधर ऊपर लगे हुए हैं, जिस तरह G5 के ऊपर नहीं थे स्पीकर, इस तरह इसके भी हैं। और जो इसकी प्राइस है, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी। ये आपको मिल जाएगी 73,000 के अंदर, T490 कोर i5 की 8th जनरेशन, 16GB रैम और 256GB SSD के साथ। कंडीशन बिल्कुल 10x10 कंडीशन के अंदर है, ठीक है। यूज़ के अंदर होते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में पहली बार आप यूज़ करेंगे, ये बाहर यूज़ हुए होते हैं, तकरीबन 1-2 साल यूज़ हुआ होता है, उसके बाद इधर पाकिस्तान में पहली बार आप यूज़ करेंगे। तो इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, ये भी तकरीबन क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। ये सारे T490 लगे हुए हैं, ये सारे T14 लगी हुई है। और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है वर्क स्टेशन, 2-2 GB ग्राफिक कार्ड वाली मशीनें हैं ये वाली, ठीक है। ये लेनोवो की P15S है, ये भी कोर i7 की 10th जनरेशन है, 32GB रैम और 1TB SSD। ये 32GB रैम और 1TB SSD के साथ है, और 32GB रैम और 512GB SSD के साथ भी है, और 2GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑन होता मैं इसका डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर फिर 512 के साथ है, ये 32 1TB के साथ है। ये भी कोर i7 की 10th जनरेशन, 32GB रैम और 1TB SSD और 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ है। बैकलाइट कीबोर्ड है, 1080p स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ है, और फिंगरप्रिंट के साथ है। और जो इसकी प्राइस है, ये भी आपको मिल जाएगी 32 1TB के साथ, आपको मिल जाएगी 1,90,000 के अंदर, P15S। और इसकी कंडीशन आपके सामने, ठीक है, 10x10 कंडीशन के अंदर है, ये आप देख सकते हो। ये भी ऑन भी हो गई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी P15S है, कोर i5 की 10th है, 32GB रैम है, 512GB SSD है, और जो 512GB SSD वाली है वो आपको मिल जाएगी 1,82,000 के अंदर। जो 1TB वाली है वो आपको मिल जाएगी 1,90,000 के अंदर। ये भी बैकलाइट कीबोर्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड 1080p स्क्रीन फिंगरप्रिंट के साथ है। कंडीशन 10x10 आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर है ये वाले पीस। पीछे से भी देख सकते हो आप,
बहुत ही स्लिम स्मार्ट सी मशीन है ये वाली। तो बकाया अगर इसकी पोर्ट्स की बात की जाए, इसके अंदर भी लेनोवो का यही टाइप सी चार्जर लगता है। जितनी मैंने तीन चार मशीनें आपको अभी दिखाई हैं उनके अंदर सेम यही चार्जर लगता है। और चार्जर की भी क्वांटिटी हमारे पास तकरीबन कोई 100-150 चार्जर पड़ा हुआ है अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये भी टाइप सी चार्जर और थंडर पोर्ट है, उसके बाद फिर यूएसबी पोर्ट, एक वो HDMI जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिस्प्ले के लिए, फिर एक हेडफोन जैक, दूसरी तरफ पे एक यूएसबी पोर्ट है और एक इंटरनेट की पोर्ट है। और जो इसकी प्राइस है आपको मिल जाएगी 182,000 के अंदर 32 TB i7 की 10th जनरेशन। इसके बाद फिर हमारे पास मौजूद है लेनोवो की, वो भी कोर i7 की 8th जनरेशन है, ये P52S है, P52S जिसे कहते हैं पंजाबी, कह रहे हो P52S। ये भी कोर i7 की 8th जनरेशन है, 16 GB रैम है और 512 GB SSD के साथ और 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ है। ये भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी उससे फैट है, जिस तरह के वो स्लिम थी ये थोड़ी सी उससे फैट है अगर आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है तो। जो ये भी 16512 के साथ आपको मिल जाएगी 142,000 के अंदर, कोर i7 की 8th जनरेशन, 16 GB रैम और 512 GB SSD और 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। बैकलाइट कीबोर्ड है, 1080p स्क्रीन जिसे कहते हैं, IPS पैनल के साथ है ये वाले पीस, और ये फिंगरप्रिंट के साथ भी है। और जो इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 142,000 के अंदर, 142,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगी। और इसके अलावा भी हमारे पास तकरीबन ये देख सकते हो काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है, T460S पड़ी हुई है, फिर T480S पड़ी हुई है, X280 पड़ी हुई है, योगा सीरीज पड़ी है, कोरा 76 योगा पड़ी हुई है, E480 पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह फिर हमारे पास T470S पड़ी हुई है, T470 पड़ी हुई है, 6 जनरेशन के अंदर भी पड़ी है, 7 जनरेशन के अंदर भी पड़ी है। डेल के अंदर आ जाती है फिर 5411 i5 10th जनरेशन H प्रोसेसर के अंदर है। इसी तरह फिर 7410 कोरा 7 10th है, 5410 कोरा 5 10th जनरेशन है, और ये नम पैड के साथ भी पड़े हैं, 7530 पड़ी हुई है, 3580 पड़ी हुई है, ठीक है। कोर i5 8th जनरेशन, कोर i7 10th जनरेशन, ये सारे लैपटॉप अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो हमारी लोकेशन ये है फीस सेंटर गेट नंबर 1 के साथ वाले प्लाजे के अंदर, जो फर्स्ट फ्लोर शॉप नंबर 1, 2, 3 और 15, ये चार शॉप हैं, लैपटॉप वाला के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0321682715, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन कर लें कि जितनी भी आगे आने वाली वीडियो वो आप तक पहुँचती रहें।